कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अपनी वापसी के लिए बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने पार्टी दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी को प्रदेश कमान सौंपी है। वाईएस शर्मिला ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद की शपथ ली। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर भरोसा जताने और उन्हें जिम्मेदारी सौंपने के लिए कांग्रेस आला कमान को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि उनके भाई और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को टेंशन होना लाजमी है। शर्मिला ने कहा, वाईएस राजशेखर रेड्डी ने दो बार प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला और दो बार मुख्यमंत्री बने। फिर से राजशेखर रेड्डी की संतान वाईएस शर्मिला पर विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के बुजुर्गों ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। इसके बाद शर्मिला ने तुरंत अपने भाई और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि वाईएसआरसीपी सरकार के तहत पिछले 5 साल में और उससे पहले टीडीपी के शासन में 5 साल में आंध्र प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। शर्मिला ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी और टीडीपी सरकारों ने आंध्र प्रदेश को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के गहरे कर्ज में दखल दिया है। जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के पास सड़कें बनाने या कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। शर्मिला ने राजशेखर रेड्डी के सभी प्रशंसकों और समर्थकों से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का खुला आह्वान किया। शर्मिला के ऐलान के बाद हाल ही में वाईएसआर कांग्रेस छोड़ने वाले मंगलगिरी विधायक ए रामकृष्ण रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को सत्ता से सिंहासन तक पहुंचाने में वाईएस शर्मिला का अहम रोल रहा है, लेकिन सियासत के खेल में ऐसी बिसात बिछाई गई है कि अब भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 2014 से ही हाशिए पर है। जब से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस राज्य में एक भी विधानसभा या लोकसभा सीट नहीं जीत सकी है। अब कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी जीत से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। पार्टी को उम्मीद है कि वो आंध्र प्रदेश में भी अच्छा कर सकती है।